हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल्स के बारे में। इस वीडियो में अपन पर्टिकुलरली दो एग्जांपल के बारे में बात करेंगे, एक sf4 मॉलिक्यूल के बारे में और दूसरा icl4 पॉजिटिव आयन के बारे में। सो गाइस, सबसे पहले अपन पता लगाएंगे इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जो कि sp3d होगा। हाइब्रिडाइजेशन अपन पता लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से अपन ज्योमेट्री पता लगाएंगे, और ज्योमेट्री के हेल्प से अपन इसका शेप और स्ट्रक्चर पता लगाएंगे। एंड देन अपन पता लगाएंगे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें एक्सियल और इक्विटोरियल पोजीशन पे कौन से एटम्स हैं। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर अपने को हाइब्रिडाइजेशन पता करना है तो अपना जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है सेंट्रल एटम के पास में कितने लोन पेयर हैं और उसके पास कितने बॉन्ड पेयर हैं, ये पता करना। और उसके बाद में जैसे अपन यहाँ पे देखते हैं, अगर अपने को लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पता लग गए सेंट्रल एटम के, तो अपन इन दोनों को ऐड करेंगे। और आपको ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना होगा कि जो बॉन्ड पेयर हैं वो ओनली सिग्मा बॉन्ड के काउंट होते हैं, पाई बॉन्ड को अपन हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी काउंट नहीं करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो जो सिग्मा बॉन्ड के बॉन्ड पेयर हैं प्लस जो लोन पेयर हैं सेंट्रल एटम के, उन दोनों का जो टोटल होता है उसको अपन स्टेरिक नंबर बोलते हैं। और जो स्टेरिक नंबर की वैल्यू अगर 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, और sp हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री लीनियर होती है। अगर स्टेरिक नंबर की वैल्यू 3 आती है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ट्राइगोनल प्लेनर उसकी ज्योमेट्री होती है। अगर 4 होता है तो sp3 एंड टेट्राहेड्रल। अगर स्टेरिक नंबर वैल्यू 5 आती है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री, जो अपना वाला केस होगा। इसके नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं कि अगर स्टेरिक नंबर की वैल्यू 6 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 एंड स्क्वायर बाई पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 7 है स्टेरिक नंबर की, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d और पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होनी चाहिए। सो गाइस, यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रिक है जिसको आप ध्यान रखें कि अगर स्टेरिक नंबर की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स 2 ऑर्बिटल होने चाहिए, सो 1s एंड 1p। अगर स्टेरिक नंबर की वैल्यू 3 है तो 3 ऑर्बिटल्स होने चाहिए, सो 1s एंड 2p। अगर वैल्यू 4 है तो 4 ऑर्बिटल्स, 1s एंड 3p। अगर वैल्यू लेट सपोज 7 है तो टोटल 7 ऑर्बिटल्स होने चाहिए, 1s, 3p और 3d। इस तरीके से अपन शॉर्टकट में याद रख सकते हैं कि स्टेरिक नंबर की कौन सी वैल्यू पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अपना पहला जो स्टेप होगा हाइब्रिडाइजेशन पता करने का, वो ये होगा कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का नंबर पता लगाया जाए। सो अपना जो फर्स्ट मॉलिक्यूल अपन ड्रॉ करना चाहते हैं, लुईस स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करेंगे, वहां से अपने को ये सब पता लगेगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इसके पास कितने हैं। सो अपन सबसे पहले ड्रॉ करते हैं SF4 को। इसमें अपने को सेंट्रल एटम चूज करना होगा। सो अपन देखते ही बता सकते हैं कि जो एटम नंबर में सबसे कम होगा वो सेंट्रल एटम होना चाहिए। सो सल्फर यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा, और सल्फर ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए इसके पास में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन्स से 4 फ्लोरीन कनेक्टेड है, और जो फ्लोरीन होता है वो हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए फ्लोरीन के पास में 7 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए एक सिंगल बॉन्ड बनाना चाहेगा। और दो एटम्स के बीच में जब एक सिंगल बॉन्ड बनता है तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। उसके बाद में ऐसे ही एक और फ्लोरीन सल्फर के एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करेगा, एक और फ्लोरीन सल्फर के एक और इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करेगा, और एक और फ्लोरीन सल्फर के एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करेगा। जब ये 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड के बॉन्ड पेयर यहाँ पे बनेंगे, तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे एक लोन पेयर बच गया है। सो जब इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो जो सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम के पास अपने को पता चला लोन पेयर 1 है, और जो बॉन्ड पेयर हैं पर्टिकुलरली सिग्मा बॉन्ड वाले वो 1, 2, 3 एंड 4 हैं। और जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम करेंगे तो वो आना चाहिए अपना स्टेरिक नंबर, और उसकी वैल्यू अपने पास 5 है। और अपन ने जैसे चेक किया था कि जब स्टेरिक नंबर की वैल्यू 5 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d और ट्राइगोनल बाईपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए। सो अपन ने इसका हाइब्रिडाइजेशन पता कर लिया जो sp3d होगा, और इसके लिए इसकी जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होनी चाहिए। अब अपन ड्रॉ करते हैं icl4 प्लस आयन को। सो यहाँ पे देख के ही पता लग रहा है कि जो सेंट्रल एटम है वो आयोडीन होना चाहिए, आयोडीन हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए इसके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
और इन 7 इलेक्ट्रॉन में से क्लोरीन बॉन्डिंग करना चाहेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल के पास में, इस आयन के पास पॉजिटिव है, दैट मीन्स इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है। तो अपन आयोडीन का एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं ताकि आयोडीन के पास में पॉजिटिव साइन आ जाए। अब आयोडीन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, सो उन 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 क्लोरीन ऐड हो जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन भी हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए वो एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है। और अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लोन पेयर बच गया है। सो गाइस, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ पे भी 1 है, और जो बॉन्ड पेयर है सिग्मा बॉन्ड वाले वो यहाँ पे 4 हैं, 1, 2, 3 एंड 4। सो जो स्टेरिक नंबर है, अगेन इसकी वैल्यू अपने पास 5 मिलती है। सो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3d होना चाहिए। सो गाइस, इन दोनों मॉलिक्यूल्स की सिमिलैरिटी ये है, दोनों में लोन पेयर का नंबर सेम है, बॉन्ड पेयर का नंबर भी सेम है, इसलिए दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा और दोनों की जो ज्योमेट्री होगी वो भी सेम होगी। सो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री होनी चाहिए। अब अपन चेक करते हैं कि जो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होता है वो ज्योमेट्री अपने को किस तरीके से दिखती है। सो गाइज, यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये जो ज्योमेट्री है इसको अपन ट्राइगोनल बाईपिरामिडल बोलते हैं। सो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में सेंट्रल एटम जो ट्राइंगल होता है उसके सेंटर में होगा, और इनके कॉर्नर पे, ट्राइंगल के कॉर्नर पे 3 एटम्स रखे जाएंगे। और गाइस, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि इन तीनों पोजीशन को अपन बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन। फिर इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर एक और एटम होगा, और इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ एक और एटम होगा। सो इस तरीके से अपन यहाँ पे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री देख रहे हैं। इसका बेस ट्राइगोनल है और इस बेस के परपेंडिकुलर जब पॉइंट को अपन सब ज्वाइन करेंगे तो अपने को एक पिरामिड दिखेगा ऊपर की तरफ, और एक पिरामिड अपने को नीचे की तरफ दिखेगा। इसीलिए इस ज्योमेट्री को अपन बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। और इसमें यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको अपन बोलते हैं इक्विटोरियल पॉइंट्स, और इन तीनों पॉइंट्स के परपेंडिकुलर जो 2 पॉइंट हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, इन दोनों पॉइंट्स को अपन बोलते हैं एक्सियल पॉइंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो गाइस, नेक्स्ट जैसे अपन ने चेक किया, इन दोनों के लिए ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री होनी चाहिए, वो अपन अब ड्रॉ करना चाहेंगे। सो सल्फर के लिए अगर ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री ड्रॉ की जाए, सल्फर सेंटर में होना चाहिए और उसके पास में 3 इक्विटोरियल पोजीशन होंगी, और ये जो 3 इक्विटोरियल पोजीशन है इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर नीचे की तरफ 2 पोजीशन और होंगी। इन 3 पोजीशन को अपन ने बोला है इक्विटोरियल और इन 2 पोजीशन को अपन ने बोला है एक्सियल। सो सल्फर के पास में जैसे अपन ने देखा SF4 मॉलिक्यूल में इसके पास में 4 सिग्मा बॉन्ड हैं और एक लोन पेयर है। सो गाइज, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि जो लोन पेयर है वो एक्सियल पोजीशन पे नहीं होगा। लोन पेयर हमेशा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री में इक्विटोरियल पोजीशन पे होते हैं। सो गाइज, इक्विटोरियल पोजीशन पे अपन एक लोन पेयर यहाँ पे बना देते हैं। इसके बाद में यहाँ से अपने को इससे 4 फ्लोरीन ऐड करने हैं, तो 2 फ्लोरीन इसके इक्विटोरियल पोजीशन पे जाएंगे और 2 फ्लोरीन इसके एक्सियल पोजीशन पे जाएंगे। तो इस तरीके से अपन ने SF4 का स्ट्रक्चर बना दिया है। अब अगर अपने को ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री देखनी है तो सबसे पहले अपन ट्राइगोनल बेस को कनेक्ट करते हैं। ये अपना ट्राइगोनल बेस हो गया, और इस ट्राइगोनल बेस को अपन टॉप वाले फ्लोरिन से अगर जोड़ेंगे तो अपने को ऊपर की तरफ एक पिरामिड दिख रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल हो चुका है। और इसको बाई पिरामिडल बनाने के लिए नीचे वाले फ्लोरिन को भी अपन इससे जोड़ देते हैं, सो अपने को नीचे भी एक पिरामिड दिखने लग गया। इसलिए ये जो ज्योमेट्री है ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। लेकिन गाइस, अगर अपने को इसकी शेप डिसाइड करनी है तो शेप में कभी भी लोन पेयर को अपन काउंट नहीं करते हैं, मतलब लोन पेयर को हटाने के बाद में ये अपने को जैसा भी दिखेगा वो इसकी शेप होनी चाहिए। सो गाइस, सल्फर और उसके 2 फ्लोरीन इक्विटोरियल वाले, और अपन ने लोन पेयर को हटा दिया और 1 फ्लोरीन ऊपर की तरफ और 1 फ्लोरीन नीचे की तरफ, 2 एक्सियल वाले। सो गाइस, ये जो शेप होती है इसको अपन सीसो से बोलते हैं। सीसो एक झूला होता है इस तरीके का, और इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सीसो। इसीलिए जो SF4 मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है, बट उसकी जो शेप है वो सीसो है, क्योंकि शेप में कभी भी लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। शेप बोलें या फिर स्ट्रक्चर बोलें, एक ही बात होती है।
अब अपन अपने आयन को ड्रॉ करते हैं जो था ICl4+। सो इसका जो सेंट्रल एटम है आयोडीन होना चाहिए, और अगर ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन रखता है तो ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होना चाहिए, और इसके पास में एक लोन पेयर है, जैसे अपन ने पता किया IClF4 के पास में पहले अपन ने पता किया था एक लोन पेयर है, और वो जो लोन पेयर है वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री में इक्विटोरियल पोजिशन पे जाना चाहिए, और इसके साथ में दो जो क्लोरीन है वो इक्विटोरियल पोजिशन पे चले जाएंगे, ये इसका ट्रायंगुलर बेस हो गया। इसके परपेंडिकुलर एक और क्लोरीन एक्सियल पोजिशन पे, परपेंडिकुलर नीचे की तरफ एक्सियल पोजिशन पे एक और क्लोरीन। सो इसकी जो ज्योमेट्री है IClF4+ की, इस वर्ड्स पे ध्यान रखें, ये इसकी ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी। सो ये एक पिरामिड ऊपर की तरफ हो जाएगा, और ऐसे ही अपन एक पिरामिड नीचे की तरफ बना सकते हैं इस तरीके से। सो ये जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी। लेकिन जैसे कि अपन ने बात की, अगर अपने को इसकी सेप ड्रॉ करनी है तो अपन लोन पेयर को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। जो लोन पेयर को हटाने के बाद में आयोडीन के पास में दो इक्विटोरियल क्लोरीन बचेंगे और दो एक्सियल क्लोरीन बचेंगे, लोन पेयर यहाँ से हटा दिया गया है, तो अगेन ये सेप अपने को दिख रही है C100। सो गाइस IClF4+ जो आयन है उसकी सेप भी C100 होगी, और जो SF4 मॉलिक्यूल था उसकी सेप भी C100 होगी। दोनों का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d होगा, इसलिए दोनों की जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होगी। सो गाइस अपन जल्दी से कंक्लूड कर देते हैं, अपने दोनों एग्जाम्पल में अपन ने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का टोटल पता किया, दोनों में एक एक लोन पेयर था, चार बॉन्ड पेयर थे, और स्टेरिक नंबर की वैल्यू 4+1 5 आई। वहां से अपने को इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3d पता लगा, और अपने को पता लगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होती है, और यहाँ से अपने को ज्योमेट्री पता लगी। फिर अपन ने पता किया इसके पास एक लोन पेयर है तो इसका अपने को दोनों का सेप पता लगा, और दोनों का जो सेप था वो अपने को C100 पता लग गया। फिर एक्सियल और इक्विटोरियल पोजिशन पता लगी, दोनों मॉलिक्यूल के जो लोन पेयर हैं वो इक्विटोरियल पोजिशन पे हैं, और दोनों मॉलिक्यूल में दो एटम ऐसे हैं जो एक्सियल पे हैं और दो एटम ऐसे हैं जो इक्विटोरियल पोजिशन पे हैं। सो गाइस आई थिंक आपको sp3d हाइब्रिडाइजेशन के जो दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जिनको काफ़ी एग्जाम में पूछा गया, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आया आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बोल के सब्सक्राइब करवा सकते हैं। सो गाइज दिस इज इट इन दिस वीडियो, सी यू लेटर।